मैंने दो क्वेश्चन अपलोड किए थे, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो वीडियो को मुझे उतने पे ही रखना पड़ा, नहीं तो ये वीडियो उसके साथ में मर्ज थी। तो थर्ड क्वेश्चन हम यहाँ इस वीडियो में कर रहे हैं, तो आप दो क्वेश्चन वहाँ देख सकते हो। थर्ड क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 5, 15, 25 विल बी 130 मोर देन इट्स 31st टर्म। मतलब इस एपी का, इसी एपी में दे रखा है, इस एपी का कौन सा टर्म होगा जो उसके एक उसके 31वें पद से 130 ज़्यादा होगा। यानी मान लो जो कोई एक सीरीज है और इस सीरीज में मान लो यहाँ पे कोई 31st टर्म है, 31st टर्म है, और आगे कोई एक ऐसा टर्म है, कोई भी टर्म, कुछ भी हो सकता है, एक्स या कुछ भी हो सकता है, वो टर्म जो होगा ना इससे कितना होगा, 130 ज़्यादा होगा, यानी कि इसमें कितना कैप होगा, 130, वो टर्म हमें बताना है। ओके, तो ये तो मैं समझने के लिए बताया। अब देखो इसको करेंगे कैसे। सबसे पहले हम एपी लिख लेते हैं। एपी हमारे पास क्या गिवन है, 5, 15 और 25। तो ए कितना होगा 5, और डी कितना होगा, डी होता है a2 - a1, ये तो आपको पता है। तो 15 - 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10। डी की वैल्यू 10 आ गई है। उसके बाद हमें बोला है विच टर्म, और टर्म निकालने के लिए मैंने पिछली वीडियो में बताया कि टर्म निकालने के लिए हमेशा कौन सा फॉर्म लगाते हैं, an। तो यानी कौन सा टर्म, तो an हमें नहीं पता, कोई टर्म है ऐसा वो बताना है जो उसके 31st टर्म से 130 ज़्यादा है। यानी कोई एक ऐसा टर्म आएगा जो इसके 31वें पद से 130 ज़्यादा होगा, यानी कि ये बड़ी वैल्यू होगी और ये वैल्यू छोटी, यानी इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 130 होगा। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। इसमें एन का फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। एन का फॉर्मूला क्या होता है, a+n-1 और d। तो एन के लिए जब आप सॉल्व करेंगे तो ए की वैल्यू हमारे पास है, डी की वैल्यू है। ए की वैल्यू क्या लगाएंगे हम, 5 + n, हमें पता नहीं क्योंकि n हमें निकालना है, -1। और d की वैल्यू कितनी है, d आ चुका है हमारे पास 10। माइनस a 31 के लिए सॉल्व करेंगे तो इसमें भी सेम फॉर्मूला लगाएंगे, ए की वैल्यू 5 + n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 31 - 1, और डी की वैल्यू है हमारे पास 10। एक वर्ष में कितना लेंगे, 130 ऑलरेडी मेंशन है क्वेश्चन में। इसको सॉल्व करते हैं, 5 + 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10n - 10 से इसको करेंगे तो 10 होगा। इसको पहले ब्रैकेट में सॉल्व करते हैं, अगले स्टेप में इसे ओपन करेंगे, ये कितना बचेगा, 30, 30 होगा, 30 को 10 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 300। अब ये कितना होगा, देखो 10n तो ऐसे रख लो आप, ये प्लस माइनस माइनस होगा तो कितना बचेगा बताओ, -5, और ये 335 हो गया, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -335 हो जाएगा, 305, 305, 5 है ना ये, और ये इक्वल्स टू में 130। तो 10n ये कितना हो जाएगा, -310 हो जाएगा, और -310 जो 310 इक्वल के बाद जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा प्लस में, तो 130 + 310 दैट मीन्स 10n इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 440, 440। और उस केस में जब आप n की वैल्यू निकालेंगे तो n कितना आने वाला है, 440/10, इसे कट गया तो n की वैल्यू कितनी आई, 40। ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चनों को करना है। इसका एक शॉर्टकट भी होता है, लेकिन शॉर्टकट आपको एग्जाम में नहीं करना है, इसलिए मैं शॉर्टकट आपको बता देता हूँ यार, तो आप भी ध्यान रखना। एग्जाम में बस आप रफ आप, मतलब आपको चेक करने पर, क्रॉस चेक करने पर कि मेरा आंसर सही है गलत है, तो आप इसे चेक कर सकते हो। ओके, अदरवाइज जरूरत नहीं है। इसने क्या बोला, 31st टर्म से 130 ज़्यादा होगा, ये बोला ना, डिफरेंस कितने का आ रहा है, डी 10 का आ रहा है ना। तो देखो अगर इसे क्रॉस चेक करने के लिए नहीं, पर रफ में आपको चेक करना, तो कैसे करना, 31st टर्म से यानी 31st तो अलग से लिख लो, इससे कोई टर्म ज़्यादा होगा, कितना ज़्यादा होगा, तो क्वेश्चन में बोला हुआ 130 ज़्यादा होगा। ओके, और डी कितना है, डी 10 है ना, 10 से इसको डिवाइड कर दो, जोड़ो 31 और ये 13 कितना हो गया, 44, यानी कि 44th टर्म होगा जो इसे इतना ज़्यादा होगा। जैसे क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में है, इसी को एक और मैं समझा दूँ, एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कि उसका 54th टर्म से कौन सा ऐसा टर्म है जो उसके 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगा, तो उसमें भी क्या करना, 54 और प्लस 132 बोले तो 132, और जितना डी होगा ना, यहाँ पर डी जितना दे रखा होगा, डी आई थिंक वहाँ पर 12 आएगा, 12, तो 12 से इसको डिवाइड कर लेना, 11 है, इसको जोड़ोगे तो 65, तो वहाँ पे 65। तो ऐसे क्रॉस चेक एग्जाम में आप कर सकते हो कि आपका आंसर जो आया वो सही है कि गलत है, अगर आपको डाउट लगता है तो। ओके, अदरवाइज तो छोटा सा क्वेश्चन है, इजी मेथड है, आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मे बी 1 or 2 मार्क्स में आ सकता है, ये 3 मार्क्स तक में भी दिया जा सकता है। क्वेश्चन बहुत छोटा सा है, बट कई बार बच्चों को डाउट हो जाता है कि इफ़ 2x, x + 10
कॉमा 3x+2 आर इन एपी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू निकालनी है। अगर तीन टर्म्स एपी में हैं तो देखो एपी का मतलब क्या होता है, एपी का मतलब होता है हर बार जितने भी टर्म्स हैं उसके कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, हर बार इन टर्म्स में जो डिफरेंस होगा ना वो इक्वल होगा, यानी इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस वो इक्वल होगा। तो या तो आप इन दोनों में डी लगा लीजिए, इन दोनों का डिफरेंस यानी कि डी इक्वल टू ए टू माइनस ए वन, और एक बार डी इक्वल टू ए थ्री माइनस ए टू, डिफरेंस तो सेम ही आएगा, यानी कि ए टू माइनस ए वन इक्वल टू ए थ्री माइनस ए टू, इसे रख के सॉल्व कर लो। तो ए टू की वैल्यू कितनी, x प्लस टेन माइनस ए वन कितना 2x, इक्वल्स टू में ए थ्री की वैल्यू कितनी है 3x+2 माइनस ए टू, ए टू की वैल्यू क्या है x प्लस टेन। ओके ये क्या बचेगा 10, और इसमें से घटेगा तो माइनस का x। इधर सॉल्व करोगे आप, ब्रैकेट ओपन होगा तो साइन चेंज हो जाएगा। ओके अब इसके बाद इसे सॉल्व करोगे तो कितना आने वाला है, ये इसमें से ये घटेगा तो 2x बचेगा, और ये जब सॉल्व होकर आएगा तो माइनस का 8 बचेगा, प्लस माइनस करेंगे तो माइनस का 8, माइनस का x इक्वल के बाद अगर ले जाओगे या इसको इधर पहले ले आओ, कैसे भी आप सॉल्व कर लो तो आंसर आ जाएगा। तो ये कितना आने वाला है माइनस का x, और ये इधर आएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा, ये माइनस का 8, प्लस का 10 था इक्वल के बाद आएगा तो माइनस का 10, ये कितना हो गया माइनस का 3x इक्वल टू माइनस का 18, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18/3, दैट मीन्स 6। तो एक तरीका तो ये है, जब आपको कुछ भी नहीं आता हो तो आप इसे ऐसे कर सकते हो। इसके अलावा एक तरीका और है जिससे भी आप इसे सॉल्व कर सकते हो, उसके लिए मैंने आपको जो 2 मार्क्स 1 मार्क्स 3 मार्क्स इनकी वीडियो अपलोड की थी तो उसमें आपको समझाया था। ओके चलो मैं उसे भी बता देता हूँ, कोई बात नहीं। देखो अगर कभी भी तीन टर्म एपी में दे रखी हैं, तीन टर्म एपी में, तो पहले टर्म को हम ए बोलते हैं, दूसरे टर्म को बी बोलते हैं, और तीसरे टर्म को सी बोलते हैं। ओके ए बी सी, तो उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, इफ थ्री टर्म्स आर इन एपी, इफ थ्री टर्म्स आर इन एपी, अगर तीन टर्म्स एपी में है कभी भी तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो 2b=a+c, कभी भी 2b=a+c, देख रहा होगा ना 2b=a+c। तो इसको भी सॉल्व करो, 2b की वैल्यू कितनी x+10 इक्वल टू में a+c, a की वैल्यू कितनी 2x, और c की वैल्यू कितनी 3x+2, ये हो जाएगा 2x+20, और इक्वल टू में ये कितना हो जाएगा 5x+2। सॉल्व कर लो इसे, नंबर्स को इधर ले आओ, तो ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 20-2, और इधर ये 5x, और प्लस का 2 इधर आएगा तो माइनस का 2x, तो कितना हो जाएगा 3x, और ये इधर 18। ओके दिख रहा है आपको, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 18/3, दैट मीन्स x की वैल्यू 6। तो यहाँ से भी इससे भी आ जाएगा, तो जैसा आप चाहो वैसे कर सकते हो, उससे भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो, एग्जाम में सब सही है। ओके थर्ड क्वेश्चन, आज का थर्ड क्वेश्चन, और ओवरऑल यानी कि जो मुझे वीडियो एक साथ मर्ज करके बनाता तो फिफ्थ क्वेश्चन होता, देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन इस वीडियो का थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द सम ऑफ थ्री नंबर्स इन एपी इज -3। देखो इस टाइप का क्वेश्चन जो है ना, थ्री नंबर्स और फोर नंबर्स वाले क्वेश्चन लास्ट ईयर भी 4 मार्क्स में आए हैं, और आ सकता है इस साल भी। द सम ऑफ थ्री नंबर्स इन एन एपी इज -3, तीन नंबर्स हैं एपी में, उनका सम कितना है, उनका जोड़ -3 है, एंड देयर प्रोडक्ट, और उनका मल्टीप्लाई कितना है, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, वो कितना है 8, फाइंड द नंबर्स। तो कभी भी तीन टर्म्स अगर एपी में होगा तो उसको हम नंबर्स को एज्यूम क्या करेंगे, लेट थ्री नंबर्स बी या इक्वल टू, जो भी लिखना आप चाहो लिख सकते हो। पहले नंबर हमेशा ए माइनस डी लेंगे, दूसरा क्या लेंगे ए, और तीसरा क्या ए प्लस डी। ओके अभी इसके बाद हम चार नंबर्स वाला भी एक क्वेश्चन करेंगे, ये तीन कंडीशन ले ली, इसने बोला क्वेश्चन तीनों का सम कितना है -3, तो इन तीनों को जोड़ लेते हैं, इन तीनों को जोड़ लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है सम ऑफ नंबर्स, वो भी आप लिख सकते हैं, सम ऑफ नंबर्स इक्वल टू -3। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ए माइनस डी प्लस ए, और प्लस में ए प्लस डी इक्वल्स टू कितना है -3। देखो ए ए ए कितना हो गया 3a, माइनस का डी और प्लस का डी कैंसिल हो जाएगा, इससे ए की वैल्यू निकाल सकते हो, ए की वैल्यू कितनी आ गई -1, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। उसके बाद बोले कि तीनों का प्रोडक्ट, तो तीनों का प्रोडक्ट यानी ए माइनस डी मल्टीप्लाई ए और मल्टीप्लाई ए प्लस डी, इन तीनों का प्रोडक्ट कितना है 8 गिवन है। थोड़ा सा दिमाग लगाना, एक बार आप क्या करोगे इससे, इसको मल्टीप्लाई सबको करने लगा, मल्टीप्लाई खिचड़ी पक जाएगी और क्वेश्चन होगा नहीं। आप थोड़ा सा दिमाग लगाना, देखो ये a माइनस डी और a प्लस डी, अगर इसे a और b समझो तो a माइनस बी और a प्लस बी, फॉर्मूला होता है a माइनस बी और a प्लस बी का, क्या होता है आइडेंटिटी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यानी इसको आप ऐसे कैसे लिख सकते हो, a स्क्वायर माइनस
डी स्क्वायर, और इधर क्या बच गया मल्टीप्लाई में, ए इक्वल्स टू में क्या 8, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ए की वैल्यू कितनी आई है -1, ए की जगह हम -1 रख लेते हैं, तो -1 का स्क्वायर और फिर माइनस में डी का स्क्वायर मल्टीप्लाई में -1 इक्वल्स टू में 8। ओके आगे बढ़े, चलो बढ़ते हैं। देखो -1 का स्क्वायर करो तो प्लस का 1 आएगा, और ये डी स्क्वायर क्लियर है, उसके बाद ये -1 या तो यहाँ रखो या इसके बटे में ले आओ, ओके कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना। -1 से इसे मल्टीप्लाई करोगे तो -1 हो जाएगा, इसे करोगे तो प्लस का डी स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर है। -1 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया है, ये साथ में यानी मल्टीप्लाई में। अब उसके बाद क्या डी स्क्वायर इक्वल 8, माइनस का इक्वल के बाद आएगा -1 तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो डी इक्वल टू जब इस ये कितना हो जाएगा 9, और ये प्लस माइनस दोनों पॉसिबल हैं, तो डी की वैल्यू कितनी आएगी +-3। डी की वैल्यू भी आ गई है और ए की वैल्यू भी आ गई है, अब हम ए पी आराम से बना सकते हैं। तो ए पी हमारे पास क्या होगा, ए पी दो पॉसिबिलिटी है क्योंकि प्लस माइनस दोनों पॉसिबल हैं, तो ए की वैल्यू -1 है। अगर हमने जो फर्स्ट टर्म ये माना था, सेकंड टर्म ये लिया था और थर्ड टर्म ये लिया था, ए की वैल्यू -1 है, अगर मैं यहाँ -1 रखूँगा, यहाँ पे मैं -1 रखूँगा, ओके, और डी की वैल्यू कितनी है, एक बार हम +3 ले लेते हैं, इफ डी इक्वल टू 3, डी अगर +3 है और ए की वैल्यू -1 है ये है ना, तो इसमें वैल्यू रखूँ तो ए की वैल्यू -1 यहाँ पे और डी की वैल्यू यहाँ पे, तो कितना आने वाला है -4, फिर ए की वैल्यू -1 तो ये तो -1 आएगा, ए की वैल्यू -1 और डी की वैल्यू 3, तो इसको जब सॉल्व करोगे आप तो कितना आने वाला होगा 2 आ जाएगा, क्योंकि -1 यहाँ रख पुट करेंगे और प्लस का 3 तो -+, तो एक तो ये हो सकता है, और इफ डी इक्वल टू -3, अगर डी -3 है तब क्या होगा, तब जब इस पर सॉल्व करोगे ना -1 रखोगे और -3 रखोगे तो नंबर तो यही आएंगे, बस जस्ट अपोजिट आएंगे सॉल्व करने पे। अपोजिट कैसे आएंगे कि 2 पहले आएगा, फिर -1 आएगा, फिर -1 आएगा, और फिर आपका ये -4 आने वाला है। सॉल्व करके देख लेना, -1 यहाँ रखना और ये आप क्या रखोगे -3, तो -1 और माइनस तो ऑलरेडी फॉर्मूले में है, और माइनस भी लगाओगे यहाँ पे, देखो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पे, जैसे आप वैल्यू रखोगे ए की वैल्यू -1 और माइनस फॉर्मूले में भी है यहाँ पे जो हमने नंबर से एज्यूम किया हुआ है, और डी की वैल्यू हम कितना ले रहे हैं -3, तो यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा, तो -1 और -1 क्या होगा प्लस, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आने वाला है यही लिख लो 2, तो इस तरीके से यानी पहले का यानी इसी जो नंबर यहाँ पे आता है ना इसी को रिवर्स करके हम लिख सकते हैं, और लिख के इसके 2 पहले आए फिर -1 आएगा फिर -4 आएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार आने के लिए, क्योंकि पिछली बार 4 डिजिट में पूछा गया था, इस बार 3, जो पिछले साल क्वेश्चन आया था उस क्वेश्चन को भी अब कर लेते हैं हम एक बार। ये क्वेश्चन आया था 2018 के बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स का, क्वेश्चन ये था डिवाइड 34 इंटू 4 पार्ट्स विच आर इन एपी, 32 को 4 पार्ट्स में डिवाइड करो जो एपी में हो, सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज 7:15। मतलब क्या, एक्सट्रीम का मतलब होता है बाहर की टर्म और मीन्स का मतलब होता है अंदर की टर्म, मिडिल टर्म, उनका जो प्रोडक्ट हो ना उनका रेशो कितना है 7:15। तो जैसे मैंने 3 वाले टर्म से बताया कि 3 टर्म से नंबर्स को ऐड क्या करते थे, a माइनस डी, ए और a प्लस डी, तो वैसे 4 के लिए भी कंडीशन है, अगर 4 नंबर्स पे पूछा जाए तो आप क्या करोगे, लेट 4 नंबर्स बी, कौन कौन से नंबर्स, तो सबसे पहला जो नंबर होगा ना वो आपका वो क्या होगा a माइनस 3d, सबसे पहले को लेंगे हम a माइनस 3d, दूसरा होगा a माइनस डी, तीसरा होगा हमारा फिर a प्लस डी, चौथा होगा a प्लस 3d, यानी कि जो वो वाला केस था ना जो 3 नंबर्स वाला, उसमें हर बार कॉमन डिफरेंस जब इनका चेक करूँ तो d आएगा सिर्फ, और जब 4 नंबर्स वाले होंगे ना तो उनमें चेक करूँ कॉमन डिफरेंस हमेशा 2d आएगा, इनका अगर डिफरेंस निकालोगे तो 2d आएगा। ओके 4 नंबर्स ले रही हैं, अब इसने बोला एक्सट्रीम्स का मल्टीप्लाई प्रोडक्ट है ना, और मीन्स का, एक्सट्रीम्स का मतलब क्या हुआ, ये और ये जो नंबर है बाहर वाले नंबर हैं और ये क्या हो गए मिडिल नंबर हो गए, दोनों बीच इनके बीच के नंबर के, तो अब आप करोगे क्या, इनको मल्टीप्लाई, पहले तो आप ए की वैल्यू निकाल लो, एक काम करो ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि इसने बोला हुआ कि 32 को 4 भागों में बांटना है, यानी कि इन चारों का सम कितना आने वाला है, 32 ही आएगा ना क्योंकि 4 भागों में बटेंगे, तो एक काम कर लो आप लिख सकते हो सम ऑफ नंबर्स इक्वल टू कितना गिवन है 32, तो इन चारों को प्लस में कर दो, a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी और प्लस में a प्लस 3d इक्वल्स टू में 32,
32 क्यों लिया ये मैंने बता दिया, क्योंकि 32 को चार भागों में बांटेंगे, चार पार्ट्स बटेंगे, अगर मैं चारों को जोड़ दूँ तो ओवरऑल 32 आएगा। अब इसके बाद देखो ए ए ए और ए, चार बार ए, ये भी पॉजिटिव है। डी को देखते हैं एक बार, माइनस का डी और प्लस का डी कैंसिल हो गया, माइनस का 3D और प्लस का 4D ये भी कैंसिल हो गया, एक वास्तव में 32। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी इससे, 8, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, अब अपॉन में आके ए की वैल्यू 8 आ गई है। अब इसके बाद क्वेश्चन को करते हैं, जैसे बोला गया है इनके एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट और मीन्स का, एक्सट्रीम्स है बाहर वाले टर्म का, बाहर वाले टर्म हमारे पास कौन से, एक ये और एक ये, इन दोनों का प्रोडक्ट, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, तो ए माइनस 3D और मल्टीप्लाई में क्या, ए प्लस 3D अपॉन में, ये तो एक्सट्रीम्स का हो गया और मीन्स का ए माइनस डी और ए प्लस डी। ये मैंने फ्रैक्शन में क्यों लिया, उसके पीछे रीजन क्या है कि इन्होंने बोला इन दोनों का रेशो, रेशो का मतलब क्या होता है, दो नंबर्स डिवाइड में होंगे, इतना है। ओके, यहाँ तक कहानी क्लियर हुई होगी तो अब आपको आगे समझ में आ जाएगा। इसको हम फॉर्मूला समझ सकते हैं, इसको फॉर्मूला आइडेंटिटी बना सकते हैं, इस टोटल को ए समझ लेते हो, इस टोटल को बी समझते हो, तो ए माइनस बी और ये भी ए प्लस बी, सेम सेम टर्म्स है ना, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी का आइडेंटिटी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, ए का स्क्वायर माइनस 3D का स्क्वायर होगा, ये तो होगा ना 3D का स्क्वायर, तो 3D का जब स्क्वायर करोगे तो कितना आने वाला है, 9D स्क्वायर अपॉन में, यहाँ पे भी a माइनस बी और a प्लस बी वाली आइडेंटिटी लग जाएगी, तो a का स्क्वायर माइनस d का स्क्वायर होने वाला है और ये 7/15, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। a की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 8, उसको हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो a की जगह 8 अगर हम लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 माइनस 9D स्क्वायर और यहाँ 64 माइनस d स्क्वायर इक्वल्स टू में कितना आएगा, 7/15। ओके, इसके बाद इसे सॉल्व करते हैं, यहाँ साइड में आप लिख सकते हो ए इक्वल टू 8, उसे हमने रिप्लेस किया ताकि पता चल जाए, क्रॉस इनटू कर लेते हैं और क्रॉस इनटू करके सॉल्व कर लेते हैं, कोई कैंसिल तो होगा नहीं कुछ, तो मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले आप कहाँ से कर लो, या तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर लो या इधर से कर लो, जैसा आपको मन करे वैसा आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर आप 64 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्रॉस प्रोडक्ट करने पे क्या आएगा, इसको जब अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे जब 64 को 15 से, तो ये आएगा आपका 960, जब हम 15 से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और उसके बाद आएगा 15 को से 9 को करेंगे तो टेबल आपको आता है 135 डी स्क्वायर, 7 से इसको करेंगे, 7 से इसको तो 7 4 28, और उसके अकॉर्डिंग फिर जब आप पूरा लिखोगे तो कितना आएगा, 448। ओके, और माइनस में ये क्या आने वाला है, 7 से जब आप इसको करोगे तो 7D स्क्वायर। ओके, इसके बाद ये सब सॉल्व कर लीजिए, या तो आप इस वाले टर्म को इक्वल के बाद ले जाओ या इस टर्म को इधर ले आओ, जैसे भी आपका मन करे। तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे 960 दिख रहा है आपको, 960 माइनस 448 इक्वल्स के बाद क्या होगा, ये 9D स्क्वायर इक्वल टू के बाद, और ये माइनस का ही इक्वल के बाद जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का, पॉजिटिव हो जाएगा, ये साइन चेंज हो जाएगा। इसमें सब जब इसे घटाओगे, इसे माइनस करोगे तो कितना आने वाला है, 512, ये घटा लोगे, और इधर जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 128 डी स्क्वायर। जब डी की वैल्यू निकालोगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो 512 अपॉन में 128, इसे इसको काटोगे तो कितने बार में होगा, ये 4 टाइम्स में कट जाएगा पूरा, और ये डी पे स्क्वायर लगा हुआ है तो इधर जब स्क्वायर हटाओगे तो इस पर आकर रूट चढ़ जाएगा, और ये प्लस माइनस दोनों पॉजिटिव है, नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 2। ओके, प्लस माइनस 2 दोनों पॉसिबल है। इसके बाद हमें एपी बनानी है, तो एपी अपने ये तीन नंबर्स हमने बना रखे थे, डी की वैल्यू कितनी आ गई तो पता चल गया, प्लस माइनस 2। ओके, इसके बाद हमने चार नंबर्स लिए थे, चार नंबर्स के अगर अकॉर्डिंग एपी बना सकते हो, तो एपी क्या क्या बनेगी, एपी देखो अगर इसमें जब वैल्यू रखोगे, ए की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, ए की वैल्यू 8 है ये रही, और डी की वैल्यू प्लस माइनस दोनों, तो अगर यहाँ पे जैसा भी लिखा था सर, इफ डी इक्वल टू 2, पॉजिटिव 2 है, तो ए की वैल्यू 8 लिखा अपने यहाँ पे, ए की वैल्यू 8 लिखोगे और डी की वैल्यू कितने लिखोगे, 2, तो यानी कि 3 2 6, 8 में से जब 6 घटेगा तो कितना आएगा, 2 आने वाला है ना, तो 2 आने वाला, तो पहले केस में यानी एपी जब सॉल्व करो तो पहले कितना आएगा, 2, दूसरे केस में क्या आएगा, जब यहाँ पे रखोगे तो ए की वैल्यू 8 और डी की वैल्यू 2, तो 8 में से 2 घटाओगे तो कितना आएगा, 6, और वैसे भी आपको पता है कि ए की वैल्यू 2 आ चुकी है और डी 4 है, हर बार बढ़ रहा है यहाँ पॉजिटिव नंबर से, तो 2 के बाद कितना आएगा, 6, 6 के बाद कितना आएगा, 10, 10 के बाद कितना आएगा, 14, 14, या आप इसमें वैल्यू रख के सॉल्व कर लो। और इफ़ डी इक्वल टू माइनस 2, अगर डी माइनस 2 होगा तब क्या ए पी बनेगी,
एपी तो बनेगी सेम, लेकिन ये जस्ट ये रिवर्स होगा। आप वैल्यू रख के सॉल्व करके देखना, इतना ही आएगा। पहले 14 हो जाएगा, फिर 10, फिर 6 और फिर 2। ये पॉसिबिलिटीज हैं वो आप लिख सकते हो। तो इस तरीके से हम बांट सकते हैं, तो यानी कि एपी इस तरीके से भी हो सकता है, रिवर्सिंग ऑर्डर में भी हो सकता है और इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकता है। होपफुली समझ में आया होगा और आपको अब प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी। आप एग्जाम की तैयारी करते रहो लगातार।